हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत। नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्राण मुद्रा लाई हूं जो आपकी जीवन शक्ति है। इसे मुद्रा ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुद्रा क्या होती है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जैसे जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व हमारी उंगलियों में भी मौजूद है। जैसे सबसे छोटी उंगली को जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अंगूठे को अग्नि। किसी प्रकार से इस उंगलियों में, यानी इसी एलिमेंट्स में कुछ कमी हो जाती है या बिगड़ जाता है या कुछ कमी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इम्बैलेंस। हाँ जी, तो हो जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ कमियां आ जाती हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि हमारा शरीर संतुलन रहे। तो जब हम इन उंगलियों को आकार देते हैं तो इसे मुद्रा कहते हैं। तो ये प्राण वायु बहुत अच्छी है। ये आपके शरीर की हर एक व्याधि को, कमी को, हर एक समस्या को पूरा करेगा और आपकी शरीर को ताकत देगा। सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी। तो इसे कैसे हम करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें बहुत ही आसान है। जैसे कि आखिरी 2 फिंगर्स है, ये छोटी उंगली, मेरे ख्याल से तो सबके पास होगी, है ना, छोटी उंगली और इसके बाद जो है रिंग फिंगर। ये दोनों उंगलियों को लेना है और इसे थंब के साथ हल्का सा टच कर लेना है और बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण का शब्द ही है जो हमारे शरीर में प्राण डाल दे। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान मुद्रा है, इसे करना बिल्कुल आसान है। इसे आप दिन में किसी वक्त भी कर सकते हो। जैसे आपको थकान लगे या आप बिल्कुल ऐसे लगे रेस्टलेस है या आप किसी चीज करके परेशान हो और आप में लो एनर्जी फील हो रही है, तो दोस्तों ये मुद्रा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसमें बहुत सारे फायदे भी दिखेंगे आपको। जैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी वीक है तो ये उसको बढ़ाएगी। अगर आपके शरीर में खून का संतुलन बराबर नहीं है तो वो भी इसे ठीक करेगा। कोई विटामिन जैसे कैल्शियम विटामिन है और आपके शरीर में इतने सारे विटामिन खाते हो और इसमें ताकत नहीं आती है, आप इतना सब कुछ खाने के बाद भी आप लो फील एनर्जी करते हो, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन मुद्रा है। आपको अगर थायराइड है, हाइपोथायराइड, वो भी ठीक करेगा। और किसी तरीके से आपको अगर शरीर में सूजन है, दोस्तों ये भी ठीक करेगा। आपका हाई बीपी भी ठीक होगा। अगर आंखों की समस्या जैसे कैटरैक है और भी जलन है कुछ है, तो ये भी ठीक करेगा आपका। और जैसे आप उपवास रखते हो तो आपको उस टाइम भूख प्यास बहुत लगती है, अगर आप उस दिन ये मुद्रा की करोगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि आपको भूख प्यास जल्दी लगेगी ही नहीं। और पेट की समस्या के लिए तो लाजवाब है, जैसे कि आपको अल्सर है, आपको एसिडिटी है, फारा है, तभी भी आपको आपका खाना हजम करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। सबसे पहले तो आपको ये देखिए, आप ये आपको एकदम स्वस्थ रखेगी, आप में एकदम एनर्जी आपको महसूस होगी। अगर आप इसे चलते फिरते भी करते हैं, आपके बैठ के भी करते हैं, अगर आप मरीज हो, लेटे हुए नहीं कुछ कर पाते हो, तो भी अगर इसे लेटे लेटे भी आप करोगे, दोस्तों ये बहुत 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 ही बेहतरीन मुद्रा है। करने में भी आसान है, कहते हैं 45 मिनट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप जब भी लो एनर्जी फील करते हो तो आप इसे जरूर करिए। आप जब जब करोगे आपको फायदा लगेगा और आप मुझे जरूर याद करोगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। ये मैं हमेशा करती रहती हूँ क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ, तो ये मैं हमेशा अपने जीवन में अपनाती हूँ और अपने पेशेंटों को, स्टूडेंट्स को भी मैं ये मुद्राएं कराती हूँ और वो बहुत ही खुश है और उनको लाभ भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक शेयर करिए ताकि और भी लोग फायदा उठा सकें। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं। और शब्बा खैर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।